हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 फोर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 10th फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर करेंगे लाइफ प्रोसेस और उसमें टॉपिक रहेगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारे चैप्टर का रिविजन चल रहा है बेटा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। सो वी विल स्टडी अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? फर्स्ट टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो इसमें देखिए क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड। एनिमल जो है क्या करते हैं, सॉलिड फूड को टेक इन करते हैं एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। और जो फूड है उसका ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन बींग यानी हमारे अंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा और ह्यूमन। नेक्स्ट है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, फॉर एग्जांपल फंजाई। नेक्स्ट देखिए पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होगा, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर वो रहते हैं होस्ट एंड दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल रहेगा कस्क्यूटा। अमरबेल का नाम सब बच्चों ने सुना है ना, तो अमरबेल यानी कस्क्यूटा प्लांट पैरासाइट है, टेक्स टेप वॉर्म एटसेट्रा। ठीक है, जो टेक्स होती हैं, जो जुएं हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में फूड जो है वो एंटायर सरफेस से अंदर लिया जाता है, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती है, उससे क्या होता है कि हमारी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा वैसे वैसे बॉडी के अंदर डिफरेंट स्पेशलाइज ऑर्गन्स वो अलग अलग काम को परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्प्रेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सर्फेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में उसके अंदर जो है फॉल्स फूट जो है वो निकल आते हैं, जिससे जो फूड पार्टिकल है वो अपने इनसाइड जो है ले लेता है, और इनको क्या बोलते हैं, इनको हम फॉल्स फूट कहते हैं। ठीक है, फॉल्स फिट ये क्या होते हैं, इनको हम सुडोपोडिया, क्या कहेंगे, सुडोपोडिया कहते हैं, जो कि फूड पार्टिकल्स को इस तरह से कवर कर लेते हैं आगे आके, और एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है और फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। जो सेल है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट से जो है फूड को इनटेक किया जाता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और जो पैरामीशियम होता है उसके बॉडी पे क्या होते हैं, सीलिया, जो कि फूड को क्या करते हैं, एक तरह से जो सीलिया की मूवमेंट है उससे जो है फूड को मूव किया जाता है। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा, दिस इन्वॉल्व्स इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड, ठीक है, तो ये सब ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टेप्स हैं फॉर द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। सबसे पहले क्या है, इंजेशन किया जाता है, उसके बाद जो इंजेशन होने के बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन है एंड देन एसिमिलेशन होता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन होता है। नाउ फूड ट्रेवल थ्रू वेरियस पार्ट्स लाइक माउथ ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड है वो ट्रेवल करता है डिफरेंट पार्ट से और डाइजेस्ट होता है। सो सबसे पहले माउथ में इंटेक किया जाता है, देन ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है, और उसके बाद स्टमक में जाता है, वहाँ पर HCl पेप्सिन और जो म्यूकस है वो सीक्रीट होता है जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो फूड बचता है डाइजेस्ट होने के लिए वो सारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि फाइनल कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वेरियस एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड अनडाइजेस्टेड है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। नाउ माउथ। माउथ में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर।
सो माउथ के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज जो देखिए माउथ स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और ये जो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ये क्या करते हैं, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक क्या करता है, स्टमक जो है स्टमक में पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन टू सिंपलर फॉर्म। पेप्सिन यहाँ पर फंक्शनल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर किसका सिक्रीशन होता है, HCl का, और जो पेप्सिन है वो केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में पेप्सिन जो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है। इसके साथ साथ स्टमक में म्यूकस भी सिक्रीट आउट होता है। म्यूकस का काम क्या है, HCl जो सिक्रीट हुआ है उससे जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन जो है एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम वो क्या करते हैं, वो फैट को सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, फैट को ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फंक्शन होता है इनका। सो यहाँ पर देखिए माउथ से ही जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो है किस में होगा, स्टमक में होता है, एंड आफ्टर दैट किस में होगा, पैनक्रियाज में होगा, जहाँ पर कंप्लीट उसका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, इनसे कंप्लीट ये क्या होता है, प्रोटीन वो ब्रेक हो जाता है अमीनो एसिड्स में, लाइपेज फैट्स में टूट जाता है। तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो आपको करने हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम शोइंग न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, इसमें देखिए फूड जो है, फूड पार्टिकल सुडोपोडिया वो यहाँ पर फॉल्स फिट जो होते हैं वो यहाँ पर निकलते हैं, और जो फूड है वो ले लिया जाता है, फिर फूड वैक्यूल, इस तरह से फूड वैक्यूल बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट एसिमिलेशन, एंड देन क्या होता है, जो एक्सक्रीट आउट करना होता है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू, सरफेस के थ्रू ही, फॉल्स फिट के थ्रू ही इजेशन भी इसके अंदर हो जाता है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है, सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। सलाइवा इज 98% वाटर, सो इट मॉइस्टन द माउथ एंड हेल्प कॉम्पैक्ट फूड इनटू सॉफ्टन पार्टिकल फॉर इजियर स्वॉल्विंग। तो इसमें क्या होता है कि ये माउथ में जो है फूड को क्या करता है, बिल्कुल मॉइस्टन कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ताकि उसको ईजी रहे निगलने में। और जो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, द एंजाइम्स इन सलाइवा, ठीक है, डू द प्रोसेस, सलाइवा डू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन। सो इसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा सलाइवा का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, सो पेरिस्टल्सिस इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो मसल जो है इस तरह से स्टमक की क्या होती हैं, जो इसोफेगस है वहाँ से लेकर उसमें पूरी ही जो हमारी इंटेस्टाइन है उनमें इस तरह की मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फूड जो है वो क्या करता है, थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आगे की तरफ चलता है। सो वेव लाइक मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टल्सिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक। तो स्टमक में एसिड का क्या रोल है, सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्लिट अप द प्रोटीन्स। द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया। सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गैस्ट्रिक जूस में वो फूड को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्लिट अप द प्रोटीन्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जो पेप्सिन है वो एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है, एंड जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है वो क्या कर सकता है, वो बैक्टीरिया जो भी फूड के थ्रू बैक्टीरिया हमारे स्टमक में जाते हैं उनको किल करता है। तो मेन फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यही है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट एंड व्हाई इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड नेसेसरी। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो वो कैसे होता है एंड व्हाई इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड नेसेसरी, तो क्यों नेसेसरी है डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होना। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगी, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं, ठीक है। और इनके थ्रू क्या होता है, फूड का डाइजेशन किया जाता, फूड को एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और इनके कारण सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। एंड एज फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंश्योर दैट दीज पार्टिकल्स आर कैरीड इंटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जो भी फूड खाया है डाइजेशन होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। इट इज़ ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रीच वेरियस सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू हर एक सेल तक पहुंचता है, जो कि बहुत ज़रूरी है एनर्जी गेन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ड्रॉ ए वेलेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वेलेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। सो, आपकी बुक में भी बेटा बहुत अच्छे से डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये फेरिंग्स होता है एंड दिस इज माउथ, ठीक है, ईसोफेगस है। उसके बाद देखिए ईसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक है, और स्टमक उसके बाद ये क्या होता है, लीवर, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये ड्यूडनम पार्ट होता है। पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, पैनक्रियाज, जे शेप स्ट्रक्चर इज स्टमक। एंड आफ्टर देन दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द अपेंडिक्स पार्ट, एंड दिस वन इज स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। तो काफ़ी ईजी है आपके लिए ये बनाना। ये क्या है, दिस इज द रेक्टम एंड एनस। ओके, सो ये डायग्राम आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर डायग्राम की इस चैप्टर की लेबलिंग आनी चाहिए हर डायग्राम की, क्योंकि सारे डायग्राम्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 84, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।